अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत प्यारे हसीन दिन का आगाज़ हुआ और ये दिन की ही वीडियो है। तो जैसा कि मैंने आप सबके साथ बहुत बार अपने व्लॉग में जिक्र किया हुआ है, जब मैं सुबह उठती हूँ फजर के बाद, जब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपने काम वगैरह थोड़े से करके बिज़ी हो जाती हूँ। तो ये है कि जो सारी कैट्स हैं ना, फिर ये मेरे पास आ जाती हैं। वैसे तो मेरे पास ही रात को भी होती हैं, लेकिन ये चलती फिरती रहती हैं। तो जी मैंने कहा दिखाती हूँ कि ये फ़ाइट कितना कर रही हैं, दोनों भाई हैं ये, और ये दोनों भाई आपस में कितना लड़ रहे हैं। तो जी थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी और मेरे हाथ से फ़ोन भी बीच में गिर गया था। मैं इनको ना हटा रही थी कि ये ना लड़ें, तो मैं साथ साथ ना बैठ के चाय पी रही थी और मैं फिर इनकी साथ वीडियो बना रही थी। तो पहले देखे लड़ते रहे हैं, तो फिर लड़ने के बाद फिर सुलह हो गई इनकी, तो फिर इन्होंने दोस्ती काट ली। तो जी मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें, अपने से हमेशा नीचे वालों को देख के शुक्र अदा किया करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें जिस व्लॉग में शॉपिंग आपको नज़र आएगी, मैं सेम आर्ट गई थी। उसके अलावा जी मैं डॉलन्स स्टोर पे गई थी, वहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं ग्रॉसरी में क्या 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 चीज़ें लेकर आई हूँ और कितने की ग्रॉसरी हुई है। उसके अलावा डॉलन्स स्टोर पे मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जी शाम का वक्त था नहीं, शाम से पहले तो पहले मैं बनाई थी ना दोपहर को मेथी, तो मैंने मेथी के लिए ना ग्रॉसरी मेरी ख़त्म हुई थी, क्योंकि मंथ भी आधा तो गुजर ही चुका था। आप सबको पता है तबीयत ठीक नहीं थी, तो नहीं ख़रीदी जा सकी। तो बस जी चाय पी, खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम निकल गए थे मैं अपने हस्बैंड के साथ, उनके भी काम थे थोड़ा सी साइड पे। तो मुझे डॉलन स्टोर नज़र आया, पहले तो मैंने ग्रॉसरी की सेम आर्ट से, उसके बाद हम चले गए डॉलन स्टोर। वहाँ से मैंने ये बहुत खूबसूरत सी आयरन ले ली, स्टीम आयरन। मैं वैसे शुरू से ना स्टीम आयरन ही यूज़ करती हूँ और मुझे पसंद भी यही होती है। तो जी मेरी अम्मी ने भी हमें शादी पे ना, हम सब बहनों को स्टीम आयरन ही दी हुई हैं। तो ये बहुत पुरानी है, ये नहीं है कि ये कोई अब चली हैं तो हम अब यूज़ करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में आम यूज़ में भी यही हुआ करती थी। तो ये है कि जो अभी मैंने ली हुई थी मेरी ना, अभी कुछ दिन नहीं टाइम पहले ना, कुछ टाइम पहले कह लें, तो मेरे घर से ना मेरी दो चीज़ें कोई उठाकर ले गया, एक वेट मशीन और एक मेरी आयरन। तो ये जो दूसरी थी, ये भी हमारे पास ही पड़ी होती है नेशनल की, जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरे पास वैसे स्टीमर भी है, तो वो मैंने बहुत पुराना लिया हुआ है। स्टीमर मेरे पास समझें कोई मेरे बच्चे छोटे थे तब से मैंने लिया हुआ है। मैं उनकी यूनिफॉर्म भी उसी पे ही प्रेस किया करती थी। अब आप सोच सकते हैं बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं उनके प्रेस उसी पे ही करती रही हूँ यूनिफॉर्म। तो अब तो जाके बड़े सस्ते हैं स्टीमर, 15,000 का भी मैं सुनती हूँ लोगों से ले लिया हुआ है लोगों ने। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में दुनिया की हर नेमत बहुत पुरानी और बहुत शुरू से ही है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो जी मैंने कहा आपके साथ आयरन को शेयर किया जाए, दिखाया जाए। मैं ये लेकर आई थी, ये बिल्कुल न्यू है, नई आई है ये, तो आप भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था और ये आयरन थी 15,000 की और मुझे मिली है ऑफ पे 13 की। तो अगर जिसने जाके अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, आप इनसे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं खुद से आप सबको बता रही हूँ। तो जी ये मेरी ग्रॉसरी है और देखे चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि इतनी एक्सपेंसिव है ना, सेम आर्ट वालों ने तो मुझे लगता है लेबल अपने लगाए हुए हैं। इन्होंने बहुत ना ब्रांड अपना सारा रख लिया है। गार्ड बासमती मैंने सारी ज़िंदगी से ख़रीदे या चावल वो नहीं थे, कहते हैं जी हमने उन लोगों की सब चीज़ें बंद कर दी हैं। बहुत सारी कंपनीज बता रहे थे हमने यहाँ अपनी रखी हैं। तो यहाँ से फिर मैंने वेजिटेबल भी ले ली थी और उसके अलावा फिर मेरी बहुत प्यारी कज़न है, कज़न सिस्टर है मेरी, बड़ी हैं आपा, तो वो भी ना यहीं आती हैं। तो उन्होंने फिर कहा मीट अगर नहीं होगा ना तो वहाँ पर बताना, मेरा नाम भी बताना, तो फिर उधर से जी घर आ जाएगा। तो जी आपा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने वहाँ पे आपका नाम ले लिया था और फिर वहाँ से अब मेरे घर कल खुद ब खुद ही मीट पहुँच जाएगा।
तो जी बस उम्मीद है कि मेरी छोटा सा जो व्लॉग बनाने की एफर्ट होती है आपको पसंद आएगी। एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ। यह बड़ा मुश्किल होता है, काम करना होता है, साथ साथ काम कर रही होती हूँ बल्कि। तो जी मैंने सारे मसाले, सारी कटिंग करके वेजिटेबल आज ही सारे काम अपने ना, वो कहते हैं ना, मुका लिए थे, तो मुका लिए थे। तो क्योंकि वही बात है कि आपको पता होता है, करने वाला भी इंसान खुद ही होता है, क्योंकि जो मेरे सर्वेंट हैं, मैंने आपको बताया, वो सिर्फ क्लीनिंग करते हैं, उसके अलावा मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती हूँ। हाँ, बाहर के वो काम करते हैं। अच्छा, सच मैंने आपके साथ बड़े मज़े का रायता शेयर करना था। हर एक का अपना अपना तरीका है रायता बनाने का। ज़रूर ये चीज़ें डालें। ये पुदीना है मेरे घर का, ड्राई किया हुआ, मैंने 3 बॉटल में भर के रखा हुआ है। मैं आपके साथ कल या परसों शेयर कर दूंगी बॉटल भी, जो फुल है आपने किचन के ड्रॉर में रखना है, ख़राब नहीं होता, 1 साल भी पड़ा रहेगा। तो आप ये वाली चीज़ों को डाल के रायता ज़रूर बनाएं। कड़ी पत्ता है उसको भी क्रश कर लें, बिल्कुल हाथ से चूरा करके डालें। बिल्कुल एक इतना यूनिक सा टेस्ट इसका होता है कि आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। वो ज़ीरा तो ये वो ये चीज़ें तो सारी दुनिया बनाती है डाल के, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा। तो काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, बहुत मज़े के बने, हमने बहुत इंजॉय किया। तो उम्मीद है मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।